मूवी के शुरुआत में हम ट्री नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कार्टर नाम के एक लड़के के हॉस्टल रूम में जागती है। ट्री एक स्टूडेंट थी जो पिछली रात पार्टी में बहुत ज़्यादा नशा करने के कारण ये कार्टर के साथ इसके हॉस्टल आ गई। ट्री को बहुत सरदर्द हो रहा था, इसीलिए कार्टर से सरदर्द की दवा मांगती है। तभी इसके मोबाइल पर इसके डैड का फ़ोन आता है, मगर ट्री फ़ोन नहीं उठाती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज ट्री का हैप्पी बर्थडे है। इसके बाद ट्री अपने हॉस्टल जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में इसे बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं। तभी इसके सामने टीम नाम का एक लड़का आकर इससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, जिस पर ट्री कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और ये यहाँ से सीधे अपने हॉस्टल आती है जहाँ इसकी रूममेट लॉरी ने इसके लिए कपकेक बनाया था। लॉरी ट्री को कपकेक देकर इसको हैप्पी बर्थडे विश करती है, मगर ट्री इस केक को कचरे में फेंक कर इससे कहती है कि मुझे बर्थडे मनाने का कोई शौक नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज ही के दिन ट्री के मॉम का भी बर्थडे था जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए ट्री अपने बर्थडे नहीं मना रही थी। इसके बाद तैयार होकर यह हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर यह ग्रे नाम के एक आदमी से मिलती है जिसके साथ इसका अफेयर था। और इसी हॉस्पिटल में ट्री की रूममेट लॉरी भी काम करती थी। इसके बाद शाम को ट्री एक पार्टी में जा रही थी, तभी इसके पीछे एक मास्क पहना हुआ इंसान आकर इसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ये मास्क मैन मौका देकर ट्री के ऊपर हमला करता है। ट्री बचने की बहुत कोशिश करती है, मगर ये मास्क मैन इसको चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। ट्री के मरते ही ये खुद को कार्टर के बेड पर पाती है जो अभी बिल्कुल सही सलामत थी। तभी कार्टर फिर से ट्री से वैसे ही बात करता है जैसे इसने कल किया था। तभी इसके मोबाइल पर इसके डैड का फोन आता है। ट्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर से यहाँ से निकलकर अपने हॉस्टल जाने लगती है। रास्ते में इसे फिर से वही लोग सेम एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं जो पिछली बार नजर आ रहे थे। तभी इसके सामने टीम आकर इससे वही बात बोलता है जो पिछली बार इसने बोला था, मगर इस बार ट्री इसको इग्नोर करके हॉस्टल आती है जहाँ इसकी रूममेट ने इसके लिए कपकेक बनाया था। अब यहाँ पर ट्री बहुत कंफ्यूज होने लगती है कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज जो हो रहा है वो पहले इसके साथ हो चुका है, मगर इसके मरने के बाद मानो ये दिन फिर से रीसेट हो गया हो। और आज इसका बर्थडे था। शाम को ये फिर से पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है, मगर इस बार ट्री किसी दूसरे रास्ते से जाती है ताकि वो किलर इसे ना मार पाए। पार्टी में पहुंचने के बाद ट्री को पता चलता है कि ये पार्टी इसी के लिए रखा गया है जो इसके दोस्तों ने ट्री को बर्थडे सरप्राइज दिया था। पार्टी बहुत बढ़िया चल रही थी, तभी अचानक यहाँ पर वही मास मैन आकर ट्री के एक फ्रेंड को मारकर ट्री के ऊपर हमला करता है। और इस बार ये मास मैन फिर से ट्री को मारने में कामयाब हो जाता है। ट्री के मरते ही ये फिर से कार्टर के रूम में जागती है। अब ट्री को समझ आ गया था कि इसके साथ क्या हो रहा है। असल में ट्री एक टाइम लूप में फंस गई है और जैसे ही ये मरती है वैसे ही ये दिन फिर से रीसेट हो जाता है। इन सबसे परेशान होकर ये अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है ताकि वो मास मैन इसे ना मार पाए। मगर यहाँ पर ट्री की किस्मत खराब थी जो इसने अपने आप को रूम में लॉक किया, क्योंकि इस रूम में पहले से ही मास मैन छुपा बैठा था। और इस बार फिर से ये किलर ट्री को मार देता है। ट्री के मरते ही ये दिन फिर से रीसेट होता है। ट्री बार बार इसी दिन को जीकर काफी परेशान हो गई थी, इसीलिए इस बार कार्टर को सारी बातें बताती है, मगर कार्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन फिर भी ये ट्री की बात मानकर इसे बताता है कि अगर तुम बार बार एक ही दिन को जी रही हो और रोज तुम्हें कोई मार देता है तब तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हें कौन मार सकता है। ये बात ट्री को समझ आ जाती है और ये उन लोगों की लिस्ट बनाती है जो इसे मार सकते हैं। इसके बाद ट्री एक एक करके बहुत सारे लोगों का पीछा करती है जिसके ऊपर इसे शक था, मगर हर बार ये किसी न किसी तरीके से मारी जाती थी। अब तो इसे ये भी याद नहीं कि अब तक इसने कितनी बार एक ही दिन को जिया है, इसीलिए ट्री एकदम बिंदास होकर जीने लगती है क्योंकि इसे मालूम था कि अगले दिन किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन जब ट्री कार्टर के रूम में जागती है तब ये बेहोश हो जाती है। कार्टर इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है जहाँ के डॉक्टर के साथ इसका अफेयर था। ग्रे इसे बताता कि हमने तुम्हारी पूरी बॉडी की जांच किया और रिपोर्ट से ये पता चलता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत अंदरूनी चोटें हैं जो अपने आप ठीक भी हो रही हैं, मगर हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। ये सुनकर ट्री को समझ आ जाता है कि बार बार बनने से इसकी बॉडी पर अंदरूनी चोटें भी इसके साथ यहाँ आ रही हैं और दिन पर दिन ये कमजोर होते जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सब सोचकर ट्री तुरंत हॉस्पिटल से भागती है, मगर ये किलर फिर से इसको गाड़ी में जलाकर मार देता है। और जब ट्री दोबारा जिंदा होती है तो ये पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। इस बार ये फिर से कार्टर को अपने टाइम लूप के बारे में बताती है ताकि वो कोई दूसरा आइडिया दे सके। तभी इसकी नज़र यहाँ चल रहे टीवी पर पड़ती है। न्यूज में एक साइको किलर को बताया जा रहा था जो अब तक बहुत सारी लड़कियों को मार चुका है, मगर अभी किसी कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ट्री को लगता है कि शायद यही उसका किलर है जो बार बार इसको मार रहा है, इसीलिए भागकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो साइको किलर पुलिस की निगरानी में था। मगर इसे यहाँ आने में देरी होती है क्योंकि अब तक उस साइको किलर ने पुलिस वाले को मार दिया था और ये मास्कमैन कोई
और नहीं बल्कि ये साइको किलर ही था। इसके बाद ये ट्री को भी मारने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ कार्टर ट्री को बचाने के लिए आता है और ट्री को बचाने के चक्कर में ये खुद किलर के हाथों मारा जाता है। इसी बीच ट्री उस किलर को मारकर घायल कर देती है, मगर तभी इसे याद आता है कि अगर आज ये नहीं मरी तो ये टाइम लूप टूट जाएगा और बेचारा कार्टर बेवजह मारा जाएगा। इसीलिए अपने आप को फांसी लगाकर मार देती है ताकि ये दिन फिर से रीसेट हो जाए। इसके मरते ही ये दिन फिर से रीसेट होता है और कार्टर को दोबारा जिंदा देख इसे बहुत खुशी होती है। आज ये रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है क्योंकि इसे मालूम था कि इसका किलर कौन है। ये ग्रे से अपने अफेयर को खत्म करके अपने डैड से भी मिलती है जिनको इसने बहुत दिनों से इग्नोर करके रखा था। ये सब करने के बाद रात में ट्री पूरे प्लान के साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ फिर से किलर के साथ इसकी लड़ाई होती है, मगर इस बार ट्री इस किलर को मारने में कामयाब होती है। इसके बाद घर आकर ट्री कार्टर के साथ उस छोटे से केक को लेकर अपना बर्थडे मनाती है जो केक इसकी रूममेट ने दिया था। ट्री आज रात पूरे उम्मीद में थी कि अगले दिन इसके लिए नया दिन होगा क्योंकि इसने किलर को मार दिया है, मगर ऐसा नहीं था। जब ये अगले दिन जागती है तब ये दिन फिर से रीसेट हो चुका था। इसका मतलब ये अभी भी टाइम लूप में फंसी है, मगर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद ट्री भागकर अपने हॉस्टल आती है जहाँ इसकी रूममेट इसको कपकेक देकर इसको हैप्पी बर्थडे विश करती है। इस केक को देखकर ट्री को सब कुछ समझ आ जाता है क्योंकि पिछली बार ट्री ने ये केक खाया था और नींद में ही ये मर गई क्योंकि इस केक में जहर था। और दोस्तों अब हमें इस मूवी के मेन विलन को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि इसकी रूममेट लॉरी ही थी। ये हर बार ट्री को जहर वाला कपकेक देती थी मगर ट्री इस केक को नहीं खाती, इसीलिए लॉरी वो मास्क पहनकर ट्री को मारती थी। और हॉस्पिटल में भी जो साइको किलर था उसका ट्री से कोई लेना देना नहीं, बल्कि लॉरी उस साइको किलर को ड्रग देकर ट्री को मारने के लिए तैयार करती है। और लास्ट में ट्री ने उस साइको किलर को मार दिया, मगर इसने लॉरी के कपकेक को खाया था जिससे इसकी नींद में ही मौत हो गई। ये जानते ही इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ट्री इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, जिस पर लॉरी इसे बताती है कि मैं ग्रे को पसंद करती हूँ मगर ग्रे तुम्हें पसंद करता है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। बस इतनी सी वजह के लिए ये ट्री को मारना चाहती थी। इसके बाद इन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और लास्ट में ट्री के हाथों इसकी रूममेट खिड़की से नीचे गिरकर मारी जाती है। अगले सीन में हम कार्टर और ट्री को एक साथ देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर इसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। और अगले दिन जब ट्री जागती है तब फिर से वही सब कुछ हो रहा था। ट्री को कुछ समझ नहीं आता, तभी कार्टर इससे कहता है डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था, आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है। ये जानकर ट्री बहुत खुश होती है और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। ये थी इस मूवी की कहानी। इस मूवी में हमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि आखिर ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि ये टाइम लूप कैसे शुरू हुआ। अगर आपको भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस मूवी का अगला पार्ट कल आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।